यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों को देखते हुए यूरोप में भी टेंशन बढ़ रही है और इस तनाव को देखते हुए जर्मनी ने कमर कस ली है। खबर है कि जर्मनी ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल रूस को यूरोप के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना जर्मनी की गंभीर सुरक्षा चिंता का हिस्सा है। इस फैसले के पीछे जर्मनी का मकसद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही यूरोप के सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करना है। जर्मनी के पास आइरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने यूक्रेन को भी दिए हैं, जो रूस के हमलों का कामयाबी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन में आइरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक 250 से ज़्यादा रूसी रॉकेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है, जिससे अनगिनत लोगों की जानें बचाई गई हैं। इनकी कामयाबी को देखते हुए जर्मनी ने अपने बचाव के लिए भी इसी तकनीक को अपनाने का फैसला किया है, ताकि रूस के साथ किसी भी रणनीतिक असंतुलन को रोका जा सके। जर्मनी की सरकार ने साफ कर दिया है कि रूस ने अपने सैन्य विस्तार के जरिए खास तौर से मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के मामले में यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कलिनिनग्राद में रूसी मिसाइलों की तैनाती जर्मनी के लिए सीधा खतरा है और इस हालत में जर्मनी के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी हो गया है। असल में जर्मनी यूरोपीय आसमान ढाल पहल का हिस्सा है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ लंबी दूरी की रक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस पहल के तहत जर्मनी ने आइरिस टी SLM सिस्टम के 6 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, जिनकी कुल लागत 950 मिलियन यूरो है और इनकी डिलीवरी मई 2027 तक पूरी होनी है। जर्मनी ने जोर देकर कहा है कि उनकी इस तैयारी का मकसद संभावित हमलों को रोकना, यूरोप में शांति सुनिश्चित करना और युद्ध रोकना है। इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। जर्मनी का मानना है कि हर हमले का जवाब देने की ताकत ही हमला करने वालों के लिए सबसे बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है। ये फैसला सिर्फ जर्मनी की रक्षा क्षमता को ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा रणनीति को एक नई दिशा देने वाला है, जिसमें जर्मनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।